दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में शुरू होने वाली है T20I श्रृंखला। जी हाँ दोस्तों, इस T20I श्रृंखला के वापस से कप्तान बनाए गए हैं सूर्य कुमार यादव। दोस्तों इस श्रृंखला में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा नहीं है और उनके साथ तीसरे नंबर के बल्लेबाज विराट कोहली भी नहीं है। दोस्तों आप सभी को बता दें, श्रृंखला साउथ अफ्रीका की सरजमीन पर ही खेले जाने वाली है। दोस्तों पहला T20I मुकाबला संडे के दिन 10 दिसंबर को शाम 7:30 बजे किंग्स मीट डरबन के मैदान पर खेला जाएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, भारतीय टीम का ट्रैक रिकॉर्ड डरबन के मैदान पर साउथ अफ्रीका की सरजमीन पर अब तक तो काफी बेहतरीन रहा है, जहां साउथ अफ्रीका दौरे पर एक बार कप्तानी कर चुके हैं विराट कोहली और दो बार कप्तानी कर चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी, और दोनों ही बार इस सीरीज में भारतीय टीम को फतह हासिल हुई थी। दोस्तों लेकिन इस बार साउथ अफ्रीका की टीम काफी ज्यादा मजबूत है। हालांकि भारतीय टीम के पास सीनियर खिलाड़ी नहीं है, भारतीय टीम ने वही टीम भेजी है जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस साल की T20I श्रृंखला में थी, जैसे कि युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल, अक्षर पटेल, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज व जडेजा इस बार शामिल हुए हैं। दोस्तों साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 रीजा हेनरिक्स, एडम मार्करम, बिट्जी क्लासन, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जेंसन, केशव महाराज, कॉडजी, फेलेक वाई व तबरेज शम्सी से भरी हुई है। तो वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की कप्तानी तो कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव, लेकिन सलामी बल्लेबाज होंगे ऋतुराज गायकवाड़ व शुभमन गिल। तीसरे नंबर पर आएंगे ईशान किशन, उनके बाद आएंगे सूर्य, फिर आएंगे रिंकू सिंह, रविंद्र जडेजा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार व कुलदीप यादव। दोस्तों साउथ अफ्रीका की तरफ से कॉडजी उनके स्टार प्लेयर हो सकते हैं और भारतीय टीम की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ इनफॉर्म बल्लेबाज हो सकते हैं सीरीज के। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन सी टीम ये सीरीज जीतेगी, हमें कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें।